है चैप्टर 15 प्रोबेबिलिटी का। इसमें क्या लिखे क्वेश्चन में कौन सा है जिसमें क्वेश्चन 6 और 7 हमने अभी जस्ट देखा है, नहीं देखा होगा तो आपने देख लीजिएगा, उसके अंदर दोनों का कॉम्बिनेशन है इस क्वेश्चन में। अगर वो दो क्वेश्चन प्रॉपरली आ गए होंगे तो आपको एक क्वेश्चन करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। इसमें क्या लिखा है, ए बैग कंटेन 3 रेड बॉल एंड 5 ब्लैक बॉल्स। तो जैसे कि हम पहले क्वेश्चन और 6 में देखे थे कि उसमें कुछ मेंशन नहीं किया था, सिर्फ 11 फ्लेवर कैंडीज मेंशन किया था और इसमें मेंशन किया नंबर्स ऑलरेडी मेंशन किया है। उसमें नंबर मेंशन नहीं किया था तो हमने एन लिया था, इसमें मेंशन किया है तो हम इसका नंबर्स लेंगे। और ये क्या लिखा है, ए बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बैग, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द रेड द बॉल इज रेड और नॉट रेड, दो क्वेश्चन पूछा गया। तो हम पहले क्या करेंगे, रेड बॉल के टोटल बॉल्स, टोटल हमारे बॉल्स कितने हैं, टोटल बॉल्स कितना है 3 + 5, टोटल हो गया 8 बॉल्स हमारे पास। अभी हमारा क्वेश्चन पहला क्या है, रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो हमने क्वेश्चन में क्या पहले पढ़ा है, फॉर्मूला आपको पता होगा, प्रोबेबिलिटी क्या है, फॉर्मूला फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। तो टोटल अपने पास कितना है, टोटल हमारे पास कितने बॉल है 8, टोटल 8 बॉल्स है। और रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी, हमको रेड बॉल का फाइनल करना, तो रेड बॉल हमारे पास कितने 3, तो ये हो गया रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी 3/8। आप इसको डिवाइड करो तो देख लेना वन से आंसर कभी आएगा, क्योंकि इसका हमेशा ये नोटिस करना, मैंने पिछले हर वीडियो में बताया है कि कोई भी प्रोबेबिलिटी का आंसर 1 से ज्यादा नहीं होगा। अभी इसमें क्या पूछा, सेकंड क्वेश्चन नॉट रेड। तो हमने पहले क्वेश्चन नंबर 7 में देखा है कि अगर कोई भी नहीं दिया रहता है, उसमें स्टूडेंट के बारे में दिया था, पर हमें नॉट का पता दिया गया था और सेम का फाइंड आउट करना था, तो हमें प्रोबेबिलिटी पता दिया गया था, तो इसी तरह हमने रेड का यस का फाइंड आउट कर लिया है। नॉट का क्या करेंगे हम, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट रेड बॉल, नॉट रेड बॉल का क्या होगा, फॉर्मूला क्या है आपने, तो इसमें फॉर्मूला तो हमने 8-7 में यूज नहीं किया था, क्या कि हमें पता है एक का आंसर आ गया, टोटल आंसर 1 ही होता है, 1 में से जो भी रेड का प्रोबेबिलिटी होगा जितना भी उसको हम क्या कर देंगे माइनस। तब जब इसको माइनस करोगे 1 - 3/8 आंसर हम एलसीएम लेंगे। हम लोग बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं कि हम डायरेक्टली 1 - 3 - 2/8 लेते हैं, पर ऐसा कभी भी नहीं होगा, एलसीएम हमेशा याद रखना, अगर कोई भी माइनस या प्लस साइन के बीच में हो तो एलसीएम जरूर लेना। इसमें सब माइनस एलसीएम लेके क्या आएगा, एलसीएम 8, क्योंकि इसके नीचे भी 1 है, तो एलसीएम लिया हमने और इसका क्या होगा 8 - 3 / 8, इसका क्या है, इसका आप इजिली कर सकते हो 5/8।